मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। सो आज हम क्लास 8 के लिए एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन। सो एक्चुअली फ्रिक्शन होता क्या है हमें इस चैप्टर के अंदर अच्छे से जानेंगे। सो पहली बात हम ये पता कर लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। सो हम पहले फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है। फिर दूसरी बात हम जानेंगे कि फ्रिक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करता है, जैसे क्या क्या कारण हैं कि किन किन चीज़ों पे आपका फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। तीसरी चीज़ हम जानेंगे फ्रिक्शन के टाइप्स का कि कितने टाइप के फ्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। फिर हम जानेंगे फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ गया एविल। एविल मतलब या तो ये बुरा है या अच्छा है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी, ठीक है। फिर मेथड एंड नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, हमें ये जानना पड़ेगा कि मान लीजिए कहीं पर ज़्यादा फ्रिक्शन है तो वहाँ कम किसी का कैसे किया जाए, या कहीं कम है तो ज़्यादा किस तरीके से किया जाए। फिर हम सिंपल से जानेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब हम बात करें तो पानी के अंदर या कोई भी बहने वाली चीज़ के अंदर फ्रिक्शन हम वो जानेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक 3 सिचुएशन दे रखी है यहाँ पर, मैं आपको पूरा नहीं पढ़ूँगा, आपके लिए समझने के लिए बस ये है कि मान लीजिए ये जो रोड आपको दिख रहा है ये कैसा रोड है, रफ रोड है ना। तो आप, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इस रफ रोड पे अच्छे से चल पाओगे या थोड़ा मुश्किल से चल पाओगे, मतलब आप आसानी से चलोगे या थोड़ी सी आपको कठिनाई महसूस होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन, एक अच्छा रोड है जो कि एकदम स्मूथ है, कोई गड्ढे नहीं है ना कुछ है, अब ऐसी कंडीशन में आप क्या होगा आपके साथ, ठीक। और तीसरी बर्फ़ के, बर्फ़ है जो आपके आसपास, तो बर्फ़ किस में आपकी कार किस तरीके से या तो रिएक्ट करेगी या बोले हम किस तरीके से काम इसका चलेगा। दूसरी बात ये कि मान लीजिए आप जो रफ सरफेस है इसमें अगर आप ब्रेक लगाते हो, या आप स्मूथ सरफेस में ब्रेक लगाते हो या बर्फ में ब्रेक लगाते हो, तो क्या क्या चीज़ें पॉसिबल होंगी हम वो जानेंगे। तो सबसे पहली बात, अ कार इज़ मूविंग ऑन अ रफ रोड, इट विल बी ईजी और डिफ़िकल्ट फॉर द कार टू मूव आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, द कार विल टेक मोर और लेस टाइम। तो देखिए अब आपको समझ में आएगा कि रफ रोड है तो आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी चलने में। दूसरी बात आपको यह समझना है कि जैसे आपने ब्रेक लगाया तो आपको कम टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि देखिए आप जो हम अगर बात इसको ही समझेंगे आगे के यहाँ कम टाइम लगने का कारण क्या है, ठीक है। दूसरा स्मूथ सरफेस पे, तो स्मूथ सरफेस पे आप इजी तरीके से चल पाओगे और आप जैसे ब्रेक लगाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर हम बात करें कि स्नो वाली यानी बर्फीली सतह पर आपको इजी भी हो सकता है, डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, और जैसे ही आपने ब्रेक लगाया तो आप मोर और लेस कितना टाइम हमें लगेगा ये सही करने में, ठीक है। तो यह बात समझ में आएगी हमें, इट इज़ ईजियर टू मूव ऑन स्मूथ सरफेस देन अ रफ सरफेस एंड अनइवन सरफेस। जैसे अगर हम बात करें अनइवन सरफेस जैसे बर्फ वाली, या रफ सरफेस जैसे आप बात करें कि कच्चे रोड वाली, तो वहाँ पर मूव करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। किसके कंपैरिजन में हम अगर बात करें तो आपकी एक स्मूथ सरफेस में, बट इट इज़ द सरफेस इज टू स्मूथ और स्लीपरी और वेट देन इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप द बैलेंस। तो अब देखिए यहाँ कंडीशन क्या हो गई, यह कंडीशन ये हो गई कि मान लीजिए आपकी सरफेस बहुत ज़्यादा ही स्मूथ है, मतलब एकदम चिकनी है या कैसी है, स्लिपरी है यानी कि चिकनी है, तो क्या होगा, या फिर हम बात करें गीली है, तो ऐसे में आपके लिए चलना और मुश्किल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप बैलेंस नहीं बना पाओगे। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, हमारे आगे क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स और स्लाइड ओवर एन ऑब्जेक्ट, क्या होगा जब एक ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर चलेगा। To understand this, we need to know about the term called friction. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये friction, ये जो हम criteria समझ रहे हैं कि जो कोई भी चीज़ अगर move कर रही है या slide कर रही है किसी object के ऊपर, तो friction. तो we learnt about that, the frictional force, हम लोग 6th class में पढ़ के आ चुके हैं, frictional force जो कि दो किसी भी objects के बीच में लगता था वही वाला फोर्स है यहाँ पर। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट कम इन टू प्ले वेन एवर टू सरफेस मूव और ट्राई टू मूव ओवर ईच अदर। देखिए जब भी दो सरफेस या दो सरफेस एक दूसरे पर या दो सरफेस एक साथ कहीं मूव करेंगी तब ये फ्रिक्शन का फोर्स हमें दिखेगा, ठीक है। सो हम लोग फ्रिक्शन के पढ़ना शुरू करते हैं। सो
हमारा कोल्हा क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन और इम्पेंडिंग मोशन। ठीक है, तो कैसे हुआ ये देखिए, अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए आप जो आपकी जो सरफेस पे आप जो चल रहे हैं, नॉर्मली आप जब चल रहे हैं तो आपको कभी कभी चलने में थोड़ी डिफ़िकल्टी फील होती है। अभी डिफ़िकल्टी क्यों फील होती है? क्योंकि आप देखते हैं कि जो आपकी सरफेस है वो कैसी है, थोड़ी खुरदुरी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्रिक्शन होगा, जो आपके आपका आप एक ऑब्जेक्ट है और एक आपकी जो अगर सरफेस एक ऑब्जेक्ट, तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, तो जो फ्रिक्शन है वो आपका जो मूवमेंट है उसको रोकेगा, क्या करेगा, रोकेगा। तो उसे ही हम बोलते हैं रेजिस्टेंस मोशन। ठीक है, द अपोजिंग फोर्स दैट कम इन टू प्ले वेन एवर एन ऑब्जेक्ट ट्राई टू स्लाइड ओवर अनदर ऑब्जेक्ट। देखिए क्या ध्यान रखना है, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, मोशन किस तरफ करेगा, इस तरफ। बट जो आपकी सरफेस है वो सरफेस क्या करेगी, वो सरफेस इसको मूवमेंट करने से रोकेगी। आपकी सरफेस क्या करेगी, इसका मूवमेंट करने से रोकेगी। तो ये सरफेस जो रोक रही है वो कुछ फोर्स लगा रही है, तो वो फोर्स क्या है, वही फोर्स आपका फ्रिक्शन है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वांट्स टू स्लाइड। ये ध्यान रखिएगा, क्या होगा कि हमेशा डायरेक्शन के अपोजिट में ही ये फोर्स लगेगा। इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट देन द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन अ लेफ्ट डायरेक्शन टू अपोज द मोशन। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि अपोजिट डायरेक्शन में ही आपको क्या करना रहेगा, आपका मोशन आपका जाएगा। ठीक है, अब हमारी बात एक क्वेश्चन और आया कि कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, तो किन किन वजह से फ्रिक्शन होता है। तो देखिए, इफ वी ऑब्जर्व एनी फ्लोर और अ सरफेस ऑन ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोपली देन वी विल फाइंड द सरफेस इज अनइवन। वी विल एबल टू ऑब्जर्व इररेगुलरिटीज ऑन द सरफेस बिकॉज ऑफ दिस। व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन अनदर देन द सरफेस टेंड टू स्टिक टूगेदर लाइक अ टाइनी लूप्स और हुक्स ऑफ वेलक्रो। टू कॉज एनी मूवमेंट इन द वन सरफेस ओवर द सरफेस अदर वन हैज़ टू कम ओवर द इंटरलॉकिंग। द इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेस विथ ईच अदर अपोजेज द मोशन ऑफ द सरफेस टू द अदर। देखिए इसके अंदर क्या हुआ, अगर आप देखें तो अगर हम ये जाने कि अगर कोई भी आपकी सरफेस है, मान लीजिए एक प्लेन सरफेस भी हुई या थोड़ी सी खुरदुरी सरफेस भी हुई, हम जब उसको माइक्रो पार्ट अगर हम माइक्रोस्कोपली उसको देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का ऑब्जेक्ट दिखेगा। किस तरीके का, इस तरीके का ये कुछ दिखेगा। ठीक है, अब आपका जो और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी अगर हम देखें तो वो इस तरीके का ही होगा जिसके अंदर ये, मान लीजिए ये, तो जब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के क्या होंगे, क्लोज आएंगे। तो अगर हम देखें ये जो एक है सरफेस, तो ये सरफेस इससे जुड़ सकती है ऐसी की ऐसी दूसरे ऑब्जेक्ट की। तो इस दो सरफेसों का जुड़ना एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और जो इनके अंदर जो बॉन्डिंग हो जाएगी, तो इसे हम बोलेंगे इंटरलॉकिंग। क्या बोलेंगे हम इसको, इंटरलॉकिंग। तो जैसे ही ये इंटरलॉकिंग हुई, तो इंटरलॉकिंग होने की वजह से क्या होगा, ये इसके मोशन का अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो उसे इंटरलॉकिंग को कैंसिल करना ही पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में इंटरलॉकिंग आसानी से तो कैंसिल होगी नहीं, सो ऐसी कंडीशन में हमें इंटरलॉकिंग को थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाकर हमें ऑब्जेक्ट को मूव करवाना पड़ेगा। अगर एग्जांपल देखें तो आपने वेलक्रो का एग्जांपल देखा होगा, आप वो कुछ चिपकाते हैं हम, तो वो किस तरीके से चिपक तो फटाक से जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं हम जैसे बैग वैग यूज़ करते हैं, हम बैग के अंदर वेलक्रो यूज़ करते हैं या हम अदर जगह यूज़ करते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं फट से लग जाता है, पर खोलने में हमें थोड़ा सा फोर्स लगता है। तो वो वेलक्रो एक्चुअल में क्या है, वेलक्रो वो ऑब्जेक्ट के इंटरलॉकिंग तो हो रही है, तो वो हमारे लिए जानने के लिए ज़रूरी था। ठीक है, अब देखिए हमारे आगे एक क्वेश्चन ये है कि क्या फ्रिक्शनल फोर्स सारी जगह एक जैसा होता है। ये हमारे आगे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसी क्वेश्चन का जवाब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि क्या फ्रिक्शनल फोर्स हर जगह एक जैसा होता है या अलग अलग होता है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।